वेलकम बाय जेटेक अपडेट। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सुपर स्प्लेंडर बस स्प्लेंडर प्लस यानी कि इन दोनों बाइकों में कौन से खरीदना बेहतर रहेगा और कौन सबसे कम प्राइस में सबसे अच्छी बाइक रहेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रंट पे आपको ड्रम ब्रेक यहाँ पर स्प्लेंडर प्लस में आपको मिलता है, जैसे आप देख सकते हैं IBS ब्रेकिंग सिस्टम के साथ एलाउ हिल के साथ यहाँ पर 8018 का ट्यूबलेस टायर मिलेगा और यहाँ पर भी 8018 का आपको ट्यूबलेस टायर मिलेगा। दोस्तों 8018 जिसे आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, ट्यूबलेस टायर, IBS ब्रेकिंग सिस्टम आपको मिलेगा, चेंज आपको मिलेगा यहाँ पर ये और वहाँ पर आपको ये चीज़ें नहीं मिलेगी, वहाँ पर आपको मेडगार्ड में लगा यहाँ पर मिलेगा। दोस्तों आप फ्रंट पर कर यहाँ पर लोगों की बात की जाए तो यहाँ पर एस्ट का लोगो मिलेगा, 35-60 का हैलोजन बल्ब मिलेगा, थोड़ा सा ये बाइक भारी देखने में लगती है। यहाँ पर थोड़ा सा छोटा मिलेगा इसका लोगो आपको नहीं, लेकिन यहाँ पर आपको स्टिकर मिलेंगे जरूर हीरो स्प्लेंडर बेसिस का। यहाँ पर 35-60 का फ्रंट पर हैलोजन बल्ब मिलेगा, सिग्नल लाइट भी आपको LED वो बल्ब पर मिलेगा सॉरी। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से कुछ इसका डिज़ाइन मिलेगा और यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको ये नए लुक में आपको मिलेगा। इसकी प्राइस 68,474 रुपये है दोस्तों, और एक्सेसोरम प्राइस इसकी मैं बता रहा हूँ आपको, और ये जो है इसकी मैं ऑन रोड प्राइस बता दूँ तो ये ऑन रोड प्राइस आपको 76,000 रुपये में पड़ेगी दोस्तों ऑन रोड प्राइस, और इसकी ऑन रोड प्राइस दोस्तों ये 84,000 रुपये में आपको पड़ेगी, जाके 83,500 कुछ रुपये में है। और 125 cc का यहाँ पर BSC CFI फ्यूल इंजेक्शन इंजन इसमें है, 5 गियर के साथ सेल्फ और किक स्टार्टिंग के साथ आपको मिलेगा 50-55 के माइलेज के साथ। ये 97.2 cc यानी कि 100 cc का इंजन आपको मिलेगा, 4 गियर आपको मिलते हैं, 60 से 65 किलोमीटर के माइलेज FI इंजन के साथ। दोस्तों अब यहाँ पर i3S टेक्नोलॉजी मिलेगा, इसमें भी आपको i3S टेक्नोलॉजी मिलता है। टैंक की डिज़ाइन आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी, जैसा आप देखते हैं स्प्लेंडर प्लस का टैंक ऐसा है और सुपर स्प्लेंडर का टैंक आपको इस तरीके से मिलेगा जैसा आप देख रहे हैं। तो इसका ये कैप जो है ये कुछ न्यू डिज़ाइन में मिलेगा, इसका कैप आपको ओल्ड मॉडल ही यानी पुराने मॉडल मिलेगा। तो एनालॉग मीटर आपको इसमें भी मिलेंगे पूरे, जैसा आप देख सकते हैं एनालॉग मीटर, स्पीडो, एनालॉग सारी चीज़ें एनालॉग आपको मिलती है, इसमें भी आपको एनालॉग मीटर मिलता है, सारी चीज़ें सेल्फ i3S टेक्नोलॉजी सारी मिलेगी, यहाँ पर भी सेल्फ और i3S के भी मिलेगी। सीट की बात की जाए तो यहाँ पर सीट आपको पिलियन सीट मिलता है जैसे आप देख सकते हैं, और इसमें थोड़ा सा स्टाइलिश लुक अप डाउन का भी आपको मिलेगा। तो साइड में स्टैंड यहाँ पर साइड में आप देखेंगे तो इस तरीके से कुछ आपको इसमें लोगो मिलेगा और कुछ इस तरीके से आपको ये लगेगी। तो यहाँ पर जो है रियर में भी आपको ड्रम ब्रेक और IBS नहीं मिलेगा, यहाँ मेरे IBS मिलेगा और ड्रम ब्रेक भी आपको मिलेगा, डिस्क ब्रेक इसमें भी नहीं मिलेगा और इसमें भी नहीं मिलेगा, लेकिन एग्जॉस्ट इसमें थोड़ा मोटा कर दिया है जैसे आप देख सकते हैं, एग्जॉस्ट काफ़ी अच्छा है और यहाँ पर एग्जॉस्ट पतला है यानी पुराने मॉडल ही आपको मिलेगा। पीछे तेल लाइट आपको जो है बल्ब पर ही मिलेगा और यहाँ पर भी आपको बल्ब पर ही मिलेगा। तो इन दोनों की जो है दोस्तों मैंने कंपेरिजन आपको बताया है जो कौन सी बेहतर है, तो बेहतर मेरे ख्याल से दोस्तों स्प्लेंडर प्लस ही रहेगा, क्योंकि आपकी जो है ये 76,000 पड़ेगी, वो 84,000 यानी कि आपको जो है 10,000 रुपये का समझ लीजिए, 8-10,000 रुपये का आपको डिफरेंट यहाँ पर पड़ रहा है दोस्तों। और इसका माइलेज थोड़ा ज़्यादा है, प्राइस भी आप माइलेज का कम है लेकिन प्राइस ऊपर स्प्लेंडर का ज़्यादा है, स्प्लेंडर प्लस की प्राइस कम है तो माइलेज आपको यहाँ पर ज़्यादा मिलेगा, यानी कि आपको ये बाइक बचत करके ज़्यादा देगी पेट्रोल की और पैसे की भी बचत देगी। तो इन दोनों बाइकों के बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट करके बताइए, और चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स।